हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका नोनी भाई, स्वागत है भाई आपका एक और नई फ्रेश वीडियो में। तो भाई सामने आज है ना एक ऐसी गाड़ी खड़ी हुई है जो भाई अभी तक जो हाइप बना के रखी हुई है ना जिसने, जो कि सीएनजी है, उसको भी पीछे छोड़ने के लिए आ गई। क्योंकि भाई ये चलने में इतनी सस्ती पड़ती है और साथ ही में भाई पावर जो आपको निकाल के देती है ना, वो भाई डीजल इंजन जैसे कि भाई ये एक महिंद्रा का यहाँ पर भी एक और घोड़ा खड़ा हुआ है, इससे भी ज़्यादा पावर आपको जो है निकाल के दे देती है। तो ऐसी एक गाड़ी के बारे में बात करेंगे जो है भाई अपनी XUV 400। अब भाई सेगमेंट में ऑलरेडी है ना टक्कर देने के लिए नेक्सन ईवी थी, बट भाई फिर भी ये गाड़ी परचेज करी गई। ये गाड़ी है ना अभी शोरूम की यूनिट नहीं है, ये सेल हो चुकी है। तो अभी सीधा ओनर से बात करते हैं, तो दीपांशु भाई की गाड़ी है, उनसे बात करते हैं। तो दीपांशु भाई आ जाओ। हेलो भाई, कैसे हो भाई? बढ़िया भाई। भाई सबसे पहले तो थैंक यू, आपने यार टाइम निकाला वीडियो के लिए। ये लो भाई गाड़ी की चाबी आपकी। ये चाबी तो सारी सेम ही देते हैं महिंद्रा हर गाड़ी में, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस किया हुआ है, कॉपर कलर दिया हुआ है इसके अंदर जो है इन्होंने। तो भाई देखो जो बेसिक क्वेश्चन निकल के आता है ना, सबसे पहले सारे क्वेश्चन बाद में कवर करेंगे, पहले ये पूछेंगे कि गाड़ी भाई यही क्यों ली, क्योंकि अभी नई नई आई है, इतना कुछ है ना पता नहीं है लोगों को इसके बारे में। और नेक्सन ईवी जैसा कि अभी मार्केट को रूल कर रही थी इस सेगमेंट में, और उसकी तरफ आप जा सकते थे, फिर भी आपने जो है एक नए प्रोडक्ट को जो है ट्राई करना ज्यादा जरूरी समझा। इसका रीजन ये है भाई, मेरे पास ना पहले से महिंद्रा की गाड़ियाँ भी थी, इससे पहले मैं महिंद्रा की बलेरो ऑन करता था, और उसके पहले मेरे पास अभी स्कॉर्पियो एन भी थी, तो मेरा ट्रस्ट फैक्टर है महिंद्रा के ऊपर। अच्छा। और नेक्सन ईवी का फ्रैंकली मैं कहूँ तो मुझे इतना डिजाइन पसंद नहीं है, तो मैं इसके लिए स्पेशली वेट कर रहा था। इलेक्ट्रिक गाड़ी में को काफी लॉन्ग टाइम से प्लान था कि एक इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद ली है भाई। बिल्कुल, जो है ना इलेक्ट्रिक में नेक्सन ईवी जो है अभी तक चल रही थी और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस भी निकाल के दे रही है, और उसको कम्पीट करने के लिए अभी है ना यहाँ पर आ चुकी है अपनी XUV 400। तो क्या कॉस्टिंग पड़ गई थी आपको जब आपने परचेज करी? मुझे ये पड़ी है 20 लाख 40 हजार के करीब। 20 लाख 40 हजार, तो इतने में तो मेरे ख्याल से और भी आपको इलेक्ट्रिक एसयूवी देखने को मिल जाती है, जैसे कि नेक्सन ईवी तो एक हो ही गया, उसका आपने क्लियर कर ही दिया, बाकी थोड़े बहुत पैसे और डालते तो ZS EV वगैरह भी देख सकते थे या फिर कोना देख सकते थे। हाँ वो थोड़ा और हाई सेगमेंट हो जाता है, क्योंकि मेरे पास एक स्कॉर्पियन भी थी, तो फिर मेरे को इसी रेंज में रहना था थोड़ा। अच्छा अच्छा, तो भाई देख सकते हो भाई के पास स्कॉर्पियो एन भी है, इसका भी रिव्यू करेंगे, बाकी भाई अभी फिलहाल इसी से काम चला लो। कौन सा इसमें वेरिएंट्स भी आते होंगे? हाँ, इसके अंदर दो वेरिएंट आते हैं, इसके EL और EC है। EL और EC है, ओके। तो EL EC है, ये वाला आपका टॉप एंड टॉप ऑफ द लाइन है? हाँ, EL मॉडल है ये। तो अच्छा बात करें अभी है ना, ये इलेक्ट्रिक का मैंने बहुत कम करे हैं रिव्यू, तो क्वेश्चंस जो निकल के आते हैं माइंड में कहीं ना कहीं यही निकल के आते हैं कि भाई माइलेज क्या निकाल के दे रही है, तो क्या रनिंग कॉस्ट पड़ रही है इसकी? इसकी रनिंग कॉस्ट जो अभी मतलब घर के अंदर मेरे इलेक्ट्रिक मीटर लगा हुआ है TPD डील का, तो उसके हिसाब से जो कॉस्ट पड़ रही है वो ₹1 किलोमीटर पड़ रही है। ₹1 पर किलोमीटर? हाँ। अब भाई आप देख सकते हो कितनी बड़ी गाड़ी है और ₹1 पर किलोमीटर में आपकी चल रही है सिटी में। सिटी के अंदर ये वाली जो CNG है ना, जो अभी तक मतलब मार्केट को हिला के रख रखा था CNG ने, अभी तो खैर बहुत ज्यादा रेट बढ़ गए, रेट बढ़ गया सी और ₹3 पर किलोमीटर पड़ रही है अभी सिटी के अंदर, और ये इतनी बड़ी गाड़ी और इतनी फास्ट गाड़ी भाई ये चल रही है ₹1 पर किलोमीटर में, तो भाई समझ सकते हो आप जमाना कहाँ से कहाँ पहुंच गया। और बाकी गाड़ी की बात करें भाई, देख सकते हो 16 इंच के यहाँ पर जो है अलॉय व्हील्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। गाड़ी भाई प्रॉपर गाड़ी है, कोई मतलब जैसे ना इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो कोई खिलौना टाइप नहीं है, प्रॉपर जो है गाड़ी है, और साथ ही में आपको इसमें बूट स्पेस भी भर भर के देखने को मिल जाता है। जैसा कि आपको दिखा देता हूँ, ये देखो भाई CNG में आपको इससे भी कंप्रोमाइज करना पड़ता था, लेकिन अभी जो है ना एक काम करते हैं अंदर चलते हैं, अंदर ही बैठ के बात करते हैं। ये प्रॉपर भाई आपको जो है ना XUV 300 आती थी उसी की तरह देखने को लगेगी, बाकी टेल लैंप्स वगैरह इसके चेंज है, हेडलाइट्स में थोड़ा डिफरेंस है, और बाकी कई कई जगह है ना यहाँ पर कॉपर का जो है एलिमेंट जोड़ दिया गया है। बाकी अंदर चलते हैं। अब भाई देखो इतनी प्रीमियम एक कॉम्पैक्ट SUV में बैठने के बाद डीजल या पेट्रोल ही दिमाग में आता है सबसे पहले, कि डीजल कितना खाएगी या पेट्रोल कितना खाएगी, और जब भी पता लगता है कि ₹1 पर किलोमीटर पे रन कर रही है, मेरे ख्याल से हाईवे पे तो और भी कम पड़ेगी। हाईवे पे और भी कम पड़ेगी भाई। अब देख लो ये होते हैं जो स्मार्ट माइंडेड लोग होते हैं ना, मतलब इतने कम में चला रहे हैं, और लंबे टूर पे अगर कहीं जाना भी है, जैसे कहते हैं इलेक्ट्रिक का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बिल्ड नहीं हुआ, तो उसके लिए भाई दूसरा घोड़ा तैयार है वहां पे महिंद्रा का, क्यों भाई? हाँ भाई सीरियस। अच्छा जैसे अभी गाड़ी लिए तो भाई देखो चलाओगे भी, और लॉन्ग रूट पे कहीं जाना पड़ा तो भाई ये भी नहीं है कि आपको हमेशा उसका वेट करना पड़े, हो सकता है इसमें भी जाना पड़े, तो कभी ऐसा मतलब डर वर नहीं लगा आपको कि इलेक्ट्रिक ले लूंगा कहीं डिस्चार्ज हो गई तो क्या करूंगा? नहीं ऐसा नहीं है, अगर आप देखो ना मतलब तो अब काफी जगह पे
टाटा ने ही चार्जिंग पॉइंट सेटअप कर दिया, तो उनके अंदर इजीली दो चार्जर्स अवेलेबल हैं, एक 25 किलोवाट में, एक 50 किलोवाट में अवेलेबल है, और किसी किसी जगह पे 33 किलोवाट में भी अवेलेबल है। उनसे गाड़ी मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक से डेढ़ घंटे में चार्ज हो जाती है, और 0 to 100 बाकी जीरो पे कोई वैसे लगाता नहीं है। हाँ। उसके अंदर बस ये है कि थोड़ी कॉस्टिंग ज्यादा पड़ती है घर से। जो 50 किलोवाट वाला है वो एक बार 0 to 80 करने के लिए मैंने चार्ज की थी, उसके अंदर अराउंड 800 के करीब कॉस्ट आती है। 800 के करीब कॉस्ट आई थी। हाँ। 0 to 80 करने, 0 to 80 करने के लिए। ये तो फिर भी बहुत ज्यादा आ गई। और कितने किलोमीटर रन कर जाती है एक बार फुल चार्ज पे? एक बार फुल चार्ज में अगर आप, इसके तीन मोड है, फन, फास्ट और फियरलेस। अगर आप फन मोड में चला रहे हो, जो इकोनॉमी मोड है बेसिकली गाड़ी का, उसके अंदर आराम से 350 के करीब चल जाती है, 300-350 चल जाती है सिटी के अंदर। सिटी के अंदर बहुत बढ़िया भाई, 300-350 अगर हाईवे पे भी निकाल देती है तो मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया है। हाईवे पे बस ये है कि आप थोड़ा फास्ट मोड प्रेफर करोगे, क्योंकि फियरलेस के ऊपर ना एक कैप है, 100 से ऊपर जाने के बाद वो थोड़ा लैग करने लगता है। अच्छा। 100 के ऊपर मतलब उन्होंने क्लॉक किया हुआ है, 100 के ऊपर जाके मतलब स्पीड रुक जाती है, उसके ऊपर नहीं होती, फिर डाउन में आने लग जाता है। ओके। और अभी जैसा कि भाई देख सकते हो गाड़ी खड़ी हुई है, और बिल्कुल भी है ना वाइब्रेशन तो 1% भी नहीं है, और पूरी चिल्ड हवा आ रही है क्योंकि भाई एसी ऑन है और गाड़ी भी अपनी ऑन है प्रॉपर। अभी कितना ये 87% चार्ज है? हाँ, 87% 87 किलोमीटर रन करेगी, 35% बैटरी है। अच्छा, 35% बैटरी है और 87 किलोमीटर रन कर जाएगी इस पे। हाँ, इसके अंदर आपको ये प्रॉपर यहाँ पर डिस्प्ले जो है इससे कर रखी है, मतलब जो है दोनों आपस में कनेक्टेड है, तो यहाँ पर आपको फिगर्स दिख रही होंगी। अच्छा भाई, जैसे कि ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो लोग कहते हैं कि मतलब इलेक्ट्रिक में ना डीजल से भी ज्यादा फन होता है चलाने में। हाँ, इसका पिकअप काफी अच्छा है। जैसे स्कॉर्पियो एनवी ऑन कर रहे हो आप, तो पेट्रोल में हो डीजल में? पेट्रोल में। पेट्रोल में तो किसका पिकअप आपको ज्यादा अच्छा लगता है? फियरलेस में इसका पिकअप वो बहुत पीछे रह जाती है उससे। अच्छा भाई, एक बार इसका है ना दिखा दो पिकअप कितना है। ठीक है, तो एक बार है ना भाई आप जरा यहाँ पर है ना देखते रहना मीटर में, 0 to 100 करके देखेंगे। अच्छा, अभी ये फास्ट मोड है? अब फियरलेस मोड है, ये टॉप मोड है इसका। ये टॉप मतलब जो अपने पूरी पावर, पूरी पावर पे है ये। तो अभी भाई आपको स्टॉप वॉच देखने को मिल जाएगी, 0 to 100 कर लेते हैं एक बार इसका। बढ़ाना भाई, किस हिसाब से इसका लॉन्च दोगे? 100 तो नहीं जा पाएगी, 60 तक देख लेते हैं, 0 to 60। अरे रे, ओ भाई साहब, बस बस बस, लोग डर गए भाई। हमें ऐसे जो है न्यूसेंस क्रिएट नहीं करनी रोड पे, बस ये ट्राई करा है हमने हल्का सा चला के, तो वो आ गया होगा भाई स्क्रीन पे आपके कितनी देर में जो है इसने 0 to 60 कवर कर लिया भाई। सही में बहुत जल्दी है, और पीछे पूरा चिपका दिया था मेरे को सीट से, और जो व्हील स्पिन दिया भाई उससे तो पब्लिक रिएक्शन आपने खुद देखे होंगे भाई, कैसे लोग डर गए। तो भाई वैसे ये इतनी पावर कैसे मैनेज कर लेते हो? थोड़ा मतलब पहले से आ जाता, स्कॉर्पियो चलाता था, उसमें भी इतना ही है, उसके अंदर भी कोई पावर कम नहीं, वो भी थोड़ा है। अच्छा, वो भी पूरी पावरफुल है, पावरफुल है। वो तो अपना मतलब उसमें कोई मोड वोड तो होंगे नहीं? नहीं, पेट्रोल में मोड नहीं है, डीजल में आता है वो, जिप जाप जूम आता है, पेट्रोल में कोई मोड नहीं, पेट्रोल में कोई मोड नहीं है। तो अच्छा, ये गियरबॉक्स से जैसे बात करें तो ये इसमें पी हो गया पार्किंग का, पार्किंग हो गया, रिवर्स न्यूट्रल डी, और ये एल मोड है इसके अंदर। मतलब ये एल मोड के अंदर क्या है, आपको ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। जैसे आपने अगर ये एल मोड पे डाल दिया तो मैं अगर आपको दिखाऊं, ये एल मोड के ऊपर है इस टाइम पे, और अब मैं एक स्क्रीन में इसको नॉर्मल मोड पे कर लेता हूं। ओके। तो अभी को जब मैं रेस दूंगा उतनी ही चलेगी, जैसे ही मैं रेस छोड़ दूंगा तो ऑटोमेटिकली ब्रेक खींच लेगी गाड़ी थोड़ी देर में। अच्छा, इसके अंदर ब्रेक की जरूरत नहीं है, ये ट्रैफिक जैम के अंदर आप यूज कर सकते हो। वन पेडल ड्राइव के उससे हो गया। बाकी भाई गाड़ी तो सही में बहुत जबरदस्त है, इस मतलब इलेक्ट्रिक गाड़ी में कभी सोचा नहीं था कि इतने सारे फीचर्स के साथ आपको इतनी सस्ती चलने को मिलेगी, और साथ ही में भाई सनरूफ जैसे प्रीमियम फीचर्स भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। अब भाई पैसा ना हो तो क्या हो सकता है भाई, अब देख लो पर्सनैलिटी कैसी है भाई की, मोटी चैन पहन के आ रखे। बाकी भाई जो ड्राइव देखने को मिलती है ना इलेक्ट्रिक गाड़ी की, भाई इतनी साइलेंट है और कहीं से कोई वाइब्रेशन नहीं है, वो डायरेक्ट पावर जो है ना बैटरी से जाती है। तो अब आप Please खुद समझ select the parking mode if you need assistance. No, we don't need assistance. बाकी कैमरा वगैरह बढ़िया चलता है इसका? लैग वैग तो नहीं है? नहीं, स्कॉर्पियो में थोड़ा सा लैग है, इसमें नहीं है। हाँ, स्कॉर्पियो की तो भाई देखो शुरू से ही शिकायत थी वो। नहीं, अभी मैंने जो नए वाले वेरिएंट है, एक फ्रेंड ने अभी भी Z4 परचेज किया है, उसके अंदर उन्होंने फिक्स कर दिया है वो। अच्छा, तो शायद सॉफ्टवेयर अपडेट कराएंगे जब सर्विस वगैरह होगी तो उस चीज के अंदर वो फिक्स हो जाएगा। नहीं, ओवर द एयर भी तो अपडेट्स दे देते हैं ना अपने? ओवर द ईयर आते हैं, बट लेकिन जो मेन मेजर अपडेट होते हैं ना वो वहीं पे जाके करते हैं, यहाँ पे इसका ईसी यूनिट होता है, यहाँ पे कनेक्ट करते हैं वो लोग,
अच्छा, और फिर अपडेट करते, इसका भी हुआ था जब मैं डिलीवरी लेके आया तो उसके नेक्स्ट डे उन्होंने अपडेट के लिए बुलाया था उसके लिए। ओके ओके। अच्छा भाई देखो, जैसे गाड़ी अभी आपने तो ली, इतने पैसे लगा दिए 20 लाख के समथिंग आपने जो है लगा दिए, अब गाड़ी चाहे 1 लाख की लो चाहे भाई 1 करोड़ की लो, उसमें नेगेटिव्स भी पाते हैं, तो इसका क्या नेगेटिव ऐसा है जो कि आपको पसंद नहीं आया गाड़ी के अंदर? एक तो देखो इसके अंदर ना वही टिपिकल पुराना एक्सयूवी 300 वाला सिस्टम लगा दिया इन्होंने, थोड़ा सा मॉडर्नाइज करना चाहिए था अगर, मतलब जैसे एक्सयूवी जो 300 आती है वो अपनी 12 से 14 लाख के बीच में आती है शायद। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके हिसाब से 20 लाख की गाड़ी के ना थोड़ा और इंफोटेनमेंट सिस्टम बेटर हो सकता था। हाँ वो हो सकता था, लेकिन ये एक तरीके से भाई नेक्सन के कंपैरिजन में रहेगी। हाँ क्योंकि वो तो हमें शायद से पहले से ही पता था कि एक्सयूवी 300 में ही ये इंजन आएगा, क्योंकि दोनों कोलैबोरेशन में बनी हुई गाड़ियां हैं, नेक्सन भी और एक्सयूवी 300 भी, दोनों का आप अगर पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन उठा के देखोगे दोनों डिट्टो सेम है, प्राइसिंग भी ऑलमोस्ट सेम है, और इलेक्ट्रिक अभी नहीं था और अभी जो है भाई आ गई मार्केट को रूल करने। एक दूसरा मेजर फैक्टर मुझे लगता है अभी भी देखो यूएसबी चार्जिंग दी हुई इन्होंने, एक एटलीस्ट एक सी पोर्ट तो दे सकते थे ये लोग। हाँ ये चीज भाई देखो जरूरी है, सी पोर्ट देना चाहिए था, आज के जमाने के हिसाब से चलना चाहिए। ऑल्दो इसके अंदर एक ही इन्होंने दिया हुआ है 12 वाट का सॉकेट, बट लेकिन फिर भी एक सी टाइप होता तो ज्यादा बेटर रहता। अच्छा वायरलेस चार्जिंग वगैरह नहीं दे रखी? नहीं वायरलेस चार्जिंग नहीं है उसका। ओके अच्छा, और नेगेटिव्स है ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह तो कहीं परेशान नहीं करता? नहीं ग्राउंड क्लियरेंस कहीं परेशान नहीं करता, काफी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है इसकी। इनफैक्ट जो जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे रोड काफी टूटा हुआ है और ऊबर खबर है, आपको पता ही होगा आप तो भाई यही रहते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पे आज तक भी ये गाड़ी नीचे टच नहीं हुई है। बाकी डायमेंशंस वगैरह तो सारी एक्सयूवी 300 वाली है। हाँ बस थोड़ा सा हल्का सा उन्होंने बूट स्पेस को इंक्रीज किया है पीछे से। अच्छा बूट स्पेस इंक्रीज कर दिया? हाँ जो थोड़ा सा विड्थ है वो उन्होंने इंक्रीज किया। ओके ये मतलब बहुत अच्छा काम कर रही है अभी महिंद्रा। और कुछ नेगेटिव्स हो भाई? एक और नेगेटिव है पीछे की तरफ ना एसी वेंट नहीं है, ऑल्दो आगे वाला एसी काफी तेज है, बट फिर भी मुझे लगता है कि जब 5 लोग बैठे हो तो थोड़ा उनको फील होगा पीछे की तरफ थोड़ा कंजेशन का। अच्छा एसी वेंट्स नहीं है। और भाई ये जैसे कि पुश बटन स्टार्ट इसके अंदर दे रखा है, हाँ। फिर भी ये फ्लिप की जो महिंद्रा देती है ये काम आती है वैसे? ये इमरजेंसी कंडीशंस के लिए होती है, जैसे कि मान लीजिए ऑटोमेटिक गाड़ी है। नहीं देते तो वैसे सभी हैं फिजिकली की, हाँ। बट वो इमरजेंसी के लिए छुपा के रखते हैं, जैसे ये क्रोम वाला पार्ट हो गया ना इसके अंदर वो डाल के रखते हैं। हाँ वो थोड़ा की में तो इन्हें बेटर करना ही चाहिए, और मेरे हिसाब से तो मॉडल के हिसाब से भी की चेंज करनी चाहिए। अब घर में इतनी सारी महिंद्रा की गाड़ियां हो जाती है ना तो भाई फिर कंफ्यूजन हो जाती है कौन सी चाबी लेके जानी है, उसमें टैटू लगाने पड़ेंगे अलग से। अच्छा भाई ये तो देखो हो गई फीचर्स की बात, फीचर्स तो इंसान को लेने से पहले खैर पता होता है कि ये फीचर गाड़ी के अंदर है और ये वाला नहीं है। कोई ऐसा नेगेटिव आपको लगा हो कि आपने गाड़ी ली फिर उसके बाद आपको रियलाइज हुआ हो कि नहीं यार ये गलती कर दी? अब नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कभी फील नहीं होता, सर्विस बहुत अच्छी है महिंद्रा की मेरे लिए तो। अच्छा मैं इसको एक बार सर्विस करा के आ चुका हूँ, 5000 किलोमीटर चल चुकी है ये। 5000 चला भी दी? हाँ। वैसे लॉन्गेस्ट जो इससे ट्रिप मारा है वो कौन सा मारा है आपने? मैं इससे गुड़गांव गया था, सोना रोड पे गया था मैं। अच्छा उसके अंदर मतलब हमने काफी ज्यादा रन की थी ये, तब हमने 200 किलोमीटर से ऊपर चला दी थी। ओके तो मतलब रेंज वेंज का कोई इशू नहीं आया अभी तक? नहीं ऐसा कुछ नहीं था, बाकी हम वापस आते वक्त हमने ना, बाकी एक एंजाइटी तो रहती होगी ना कि भाई इतने थोड़ा सा तो रहता है, देखो थोड़ा सा तो रहता है, पर मेजरली हमने ये गाड़ी सिटी ड्राइव के लिए ही खरीदी है। अच्छा लॉन्ग ड्राइव के लिए नहीं लिया? तो बढ़िया मजा आ रहा होगा सिटी में तो। खैर एक तो पावरफुल इतनी है और ऊपर से भाई प्रीमियमनेस भी पूरी है, और कहीं भी हमें अपना घबराने की बात नहीं है कि भाई ये डीजल लग रहा है पेट्रोल लग रहा है, इतना रेट बढ़ते जा रहे हैं आज के टाइम में और 1 रुपया पर किलोमीटर भाई को कॉस्ट कर रही है। अच्छा जैसे कि अभी आप 5000 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चला चुके, तो मेजर एक क्वेश्चन आता है सर्विस का, तो सर्विस कॉस्ट क्या पड़ी आपको इसकी? इसकी तो कोई खास सर्विस कॉस्ट, मेरी तो मतलब पहली सर्विस जो हुई थी वो फ्री है, 1000 पे हुई होगी ना? हाँ 1000 पे हुई थी, वो फ्री सर्विस है, अभी जो नेक्स्ट सर्विस होगी 10000 पे होगी, तो इसके अंदर कोई ऐसा मेजर कुछ है नहीं कि मतलब कोई ज्यादा है नहीं, मतलब ऐसा कुछ एक्सपेंस सर्विसिंग वगैरह में कोई कॉस्ट नहीं आती शायद, मतलब मिनिमम जो लेबर चार्जेस हैं वो लगने चाहिए, उसके अलावा तो कुछ नहीं है ऐसा। नहीं वैसे जितने टाइम तक आपकी वारंटी है या फिर जो है फ्री सर्विसेज है तब तक तो वो भी नहीं, हाँ तब तक तो लेबर चार्जेस नहीं लगते हैं, लेबर चार्जेस भी नहीं लगेंगे, मतलब नेक्स्ट टू सर्विसेज के अंदर लेबर चार्जेस नहीं होते हैं। सर्विस में वैसे इसके में क्या ही करेंगे, बाकी ब्रेक शू वगैरह बदल देंगे और तो क्या ही होगा, ब्रेक शू भी जब वो घिसेंगे जब ही बदलेंगे। हाँ ब्रेक ऑयल होगा और तो ज्यादा कुछ होगा नहीं इसके अंदर, ऐसा कुछ ब्रेक ऑयल भी नहीं होगा इसके अंदर, तो बैटरी है तो उसे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। नहीं नहीं ब्रेक ऑयल तो होगा, हाइड्रोलिक ब्रेक होंगे। अच्छा एक बार बोनट खोलना है इसमें, मेरे हिसाब से तो वैसे कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि सर्विस में होने वाला हो, तो एक बार बाहर आ जाते हैं गाड़ी के, बंद कर दो भाई। भाई जब भी ये है ना गाड़ी मतलब, अच्छा आप वैसे महिंद्रा के सर्विस सेंटर के अंदर भी जब गाड़ी लेके गए होंगे सेलिब्रिटी बन गए होंगे?
हाँ, क्योंकि जब मैंने ली थी तो जो फर्स्ट गाड़ी थी ये, नेक्स्ट उन्होंने अपडेट के लिए बुलाया था इसे। अच्छा, तो उन लोगों ने भी देखी नहीं थी उसके अंदर से, मतलब काफी कम लोग हैं जिनको उन्होंने इसके लिए बुलाया था, मतलब इंडक्शन प्रोग्राम होता है महिंद्रा का, तो बाकी लोग फिर एक्साइटेड हो गए थे उसको देखने के लिए वहाँ पे। तो भाई अब ऐसी यूनिक गाड़ी लोगे ना तो सेलिब्रिटी वाली फीलिंग कहीं ना कहीं से आई जाती है। और बोनट में इसका देखो तो भाई आपको कुछ भी जो है ना इंजन वगैरह तो खैर देखने को मिलेगा ही नहीं, ये प्रॉपर मोटर्स वगैरह हैं और बैटरी जो है गाड़ी के नीचे प्लेस करी होती है। और बाकी 12 वोल्ट की एक बैटरी होती है अपने इग्निशन वगैरह को ऑन करने के लिए, वो कभी डेड नहीं होती, वरना एक बार अगर जीरो हो गई बैटरी तो स्टार्ट कहाँ से होगी गाड़ी। मेरे ख्याल से कूलेंट्स वगैरह जो है टाइम टू टाइम रिप्लेस होते हैं, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होती हैं। अच्छा भाई, जैसे कि मैं ये देख पा रहा हूँ ये आपने इसमें पीपीएफ वगैरह करा रखी है। हाँ, मैंने पीपीएफ करा रखी है। तो मतलब पीपीएफ मैं अभी पीछे से देख रहा था तो सारी उखड़ सी रही है। हाँ भाई, मैंने ये कराई थी बट अभी। आपने गाड़ी ली हुए कितना टाइम हो गया उसे? मैंने मार्च में खरीदी थी। मार्च में खरीदी है और अभी जो है 2 महीने हुए हैं, 2 महीने में पीपीएफ का ये हाल हो गया। दो मेरे को तो कराई हुई, 1 महीना नहीं हुआ पीपीएफ, अभी कराई है मैंने थोड़े टाइम पहले ही। काफी जगह से दिक्कत करने लग गई है, कई जगह से दिक्कत है, जैसे कि आप देख सकते हो भाई यहाँ से उखड़ने लग गई, यहाँ से उखड़ने लग गई। तो वही है, मतलब थोड़ा है ना हमें प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ आगे शिफ्ट करना चाहिए, जैसे कि अपनी महिंद्रा की XUV 400। तो भाई बहुत अच्छा लगा यार आपसे मिलके, और सबसे बड़ी बात तो थैंक यू, आपने टाइम निकाला वीडियो के लिए। तो कैसी लगी भाई आपको XUV 400 कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो भाई वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। बाकी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा, और मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।